चाय पी चुके हैं और चाय। हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम जाने वाले हैं झांसी से उरई। सो गाइस, देखते हैं सफ़र किस प्रकार से होता है हमारा, कितना एंटरटेन होता है, और मिलते हैं। अब ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से घर से तो अपने निकल चुके हैं और मैं झांसी मेडिकल रोड पे पहुँच गया हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे से रोड पे कितनी भीड़ भाड़ है झांसी में। दोस्तों, हम झांसी की यूनिवर्सिटी के पास पहुँच गए। देखिए, ये झांसी की यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट है, आप देख रहे होंगे। देखिए, ये झांसी की BU बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। देखिए गाइस, ये ट्रेंड्स का मॉल है झांसी में, यहाँ पे आके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, झांसी में काफ़ी ट्रैफिक है। अभी सुबह के टाइम है, 10 बजे हुए हैं, फिर भी काफ़ी ट्रैफिक है। ये रहा झांसी की पैरामेडिकल की बिल्डिंग, जो है ये अभी नई बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए, झांसी की रानी की काफ़ी बड़ी मूर्ति लगी हुई है। अब यहाँ से देखिए, लिखा भी हुआ है शिवपुरी ग्वालियर हाईवे। हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे आगे से, और हम कानपुर हाईवे की तरफ मुड़ जाएंगे। देखिए, ये मारुति का शोरूम बना हुआ है, उसके राइट हैंड में कानपुर हाईवे है। सो गाइस, हम अब कानपुर हाईवे पर आ चुके हैं। हम बड़ा गांव आ चुके हैं। देखिए, ये अंदर शहर के लिए रास्ता चला गया है बड़े गांव में, और ये हाईवे हमें सीधा उरई के लिए जाता है। गाइस, हम पेट्रोल पंप के पास आ गए हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब गाड़ी में पेट्रोल डल चुका है, अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं हाईवे के लिए। नहीं भाई, यहाँ से उरई कितने दूर होगा, आप क्या बताएंगे? यहाँ से उरई अभी करीब 80 किलोमीटर बचा होगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे उरई पहुँचने में। अच्छा, तो आज उरई में पंकज भाई का पेपर है। सो गाइस, हम आपको वहाँ की भीड़ भी दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसी भीड़ है। सो गाइस, अब हम हाईवे पर आ चुके हैं, पारीछा का पावर हाउस जो मैं आपको दिखाऊँगा, और ये पूरा पावर प्लांट है, आपको दिख रहा होगा आगे से कितना बड़ा बना हुआ है। देखिए, चिमनी से धुआं निकल रहा है, और ये ऑफिस वगैरह ही बने हुए हैं। देखिए, तो ये कितना बड़ा सब स्टेशन है ये। दोस्तों, हम चिरगांव पहुंच गए हैं। चिरगांव के काफ़ी प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रीय कवि थे, जो मैथिलीशरण गुप्त थे, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। गाइस, ये वही चिरगांव है जो झांसी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए आसपास का नज़ारा कैसा है। नायत भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो गाइस, देखिए थोड़ी दूरी पर टोल आने वाला है, टोल प्लाजा, जो कि यहाँ से 500 मीटर दूर है। मैं आपको Thank you.
भाई साहब हम टोल से आगे निकल चुके हैं दोस्तों। एक किला आ गया है, देखिए यही किला बना हुआ है। देखिए हम थोड़ा हाईवे पे रुके हुए हैं पानी पीने के लिए। देखिए धूप निकल चुकी है काफ़ी और हम 50 किलोमीटर आ चुके हैं यहाँ से। हो रही अभी 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है कुछ चल रहे हैं दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। गाइस देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है बारिश का, देखिए खेत पूरे डूबे हुए हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा काफ़ी पानी भरा हुआ है और बारिश से काफ़ी आसपास का माहौल जो एकदम हरा भरा हो चुका है। देखिए सड़कों के आसपास भी काफ़ी पेड़ खड़े हुए हैं। टोल से आगे निकल रहे हैं, टोल हो चुका है, देखिए पीछे टोल दिख रहा होगा आपको। एंड वी आर अबाउट टू रीच ओनली 20 किलोमीटर्स। सो गाइस हम घर से 10 बजे निकले थे और अभी आप देख रहे हैं हमें 2-2.5 घंटे हो गया है चलते चलते और वही यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर के आसपास बचा है तो हम आधा घंटे के आसपास कुछ और ही पहुँचने वाले हैं। आधा घंटे हम और ही पहुँचते हैं फिर और ही मिलते हैं। हम थोड़ी देर में और ही पहुँचने वाले हैं, यहाँ से और ही 5 किलोमीटर बचा हुआ है बस। तो देखिए रेलवे क्रॉसिंग आ चुकी है, क्या शानदार लग रहा है देखने में। वही मैं आ चुके हैं, देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है, स्टूडेंट काफ़ी एग्ज़ाम देने आए हैं। तो हम भी कॉलेज के लिए जाते हैं, अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कॉलेज बचा हुआ है। भाई हम और ही पहुँच गए हैं, यहाँ से हमारा जो कॉलेज हमें जाना है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यहाँ पे देखिए जाम लगा हुआ है, हम जाम में फंसे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग सब घर जा रहे हैं। हमारा हो रही का ट्रिप अब कंप्लीट हो चुका है। गाइस देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, हम घर जा पा रहे हैं, तभी मैंने आपको बोल इससे बाहर निकल के दिखा नहीं पाया। गाइस अब घर झांसी में मिलते हैं, यहाँ आगे कोई ढाबा मिलता है तो रुकते हैं वहाँ पे। तो गाइस हम यहाँ रुके थे, अब यहाँ पे हम चाय पी चुके हैं, तो चाय पी के वहाँ अपनी गाड़ी से वापस घर के लिए चलते हैं।
फ्रेंड चाय पी के हम वापस घर के लिए निकलते हैं झांसी के लिए। चाय पी के मजा आया ललित भाई, काफी ढाबे की काफी ज्यादा तो ठंड में चाय पी के काफी गर्म गर्म हो गए, अब निकलते हैं घर के लिए।